વેલકમ બેક. અયોધ્યામાં રામ જન્મભૂમિ વિવાદ કેસમાં સીજેઆઈ રંજન ગોગોઈએ મહત્વની ટિપ્પણી કરી છે. સીજેઆઈએ કહ્યું આ કેસની સુનાવણી 18 ઓક્ટોબર સુધીમાં પૂર્ણ થવા જરૂરી છે. જો 18 તારીખ સુધીમાં સુનાવણી પૂર્ણ નહીં થાય તો ચુકાદો આપવાનો ચાન્સ પૂરો થઈ જશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે જો આપણે 4 સપ્તાહમાં આ કેસનો ચુકાદો લાવીએ તો ચમત્કાર ગણાશે. રજનીશ રંજન સંવાદદાતા ફોન લાઇન પર જોડાઈ ચૂક્યા છે. રજનીશ, ક્યાકુ છુઆ આજ કોર્ટ પરિસર મેં પૂરી ખબર બતાએ. देखिए, सुनवाई के दौरान एक बार फिर से मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने साफ कर दिया कि 18 अक्टूबर का जो डेडलाइन उन्होंने पहले रखा था उसी तारीख तक इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है. तमाम जो पक्ष हैं वो अपनी दलील 18 अक्टूबर या उससे पहले तक पूरा कर ले. 18 अक्टूबर के बाद इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी, ये एकदम साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है. एक तरह से आगाह किया है उन्होंने तमाम पक्षों को कि वो डिले ना करें अपनी दलील पूरी करने में, क्योंकि बीच में ये जानकारी सामने आ रही थी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जो वकील राजीव धवन है वो कुछ और ज्यादा समय ले सकते हैं, कुछ और वो सबूत की बात कर सकते हैं, या एक तरह से अपनी दलील पूरा करने में वो थोड़ा ज्यादा समय लेंगे, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो स्टडी है और इसके अलावा जो विवादित जगह है वहां से जुड़े जो कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो कोर्ट में उन्हें जमा कराने हैं. तो इस पर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 18 अक्टूबर तक जो भी कागजात हैं, जो भी सबूत है या जो भी दलील है उसको कंप्लीट कर लिया जाए और उसके बाद 4 हफ्तों के बाद इस मामले में कोर्ट कोई ऑर्डर लेकर सामने आएगी. यानी कि 18 अक्टूबर एक डेडलाइन पहले ही रखा था सीजेआई ने 26वें दिन की सुनवाई के बाद, और आज एक बार फिर से एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार सीजेआई ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 18 अक्टूबर के बाद 4 हफ्तों का समय उन्हें लगेगा कम से कम ऑर्डर को लिखने में, ऑर्डर को डिलीवर करने में. तो इसलिए इस डेडलाइन को वो आगे न ले जाएं, इस डेडलाइन से पहले ही वो अपने तमाम दलील पूरी कर. બિલકુલ રજનીશ, શુક્રિયા એ પૂરી જાણકારી કે લે. તો આ સમગ્ર બાબતને લઈને સીજેઆઈએ આ મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરી છે કે 18 ઓક્ટોબર સુધી સુનાવણી પૂરી થવી અત્યંત જરૂરી, સુનાવણી માટે સમય નહીં વધારવામાં આવે.